लास्ट वीक में आपके साथ शेयर करने वाली अपना शॉपिंग हॉल ये फ्रेंड्स जो कि है नायका एंड कफ लैशेस अगेन। तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ ना कुछ परचेज कर लूँ क्योंकि उस टाइम पे सेल चल रही थी और आपको साथ साथ बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। सो यार फ्रेंड्स वीडियो कफ्सन लैशेस और नायका से अलग अलग मिला था, तो मैंने इसी नायका के बॉक्स में कफ्सन लैशेस का भी अपना स्टफ रख चुका है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने सबसे पहले कफ्सन लैशेस से क्या लिया है। तो इस बार मैंने कुछ ज्यादा नहीं लिया, मतलब इतना नहीं लिया, लेकिन मैं चाहती थी कि लूं, लेकिन अब क्या करूं, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लेना था आईब्रो पाउडर मार्स का। तो मैंने सोचा कि यार अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि थोड़े दिन बाद करूंगी ऑर्डर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैंने निधि मैम की वीडियो देखी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी स्विस ब्यूटी और मार्स का जो आईब्रो पाउडर होने वाला है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है और मार्केट में भी जल्दी नहीं मिलने वाला। तो उस टाइम पे मुझे इतना बड़ा झटका लगा है ना, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा झटका लगा। तो और जैसे ही मैं परचेस करने गई, मार्स का आईब्रो पाउडर आउट ऑफ स्टॉक, स्विस ब्यूटी के आई शेडो लेने गई जो मेरा फेवरेट शेड था 4 और 5 का, मतलब 4 और 5 मैं दोनों परचेस करने वाली थी, लेकिन 4 जो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, सबसे बड़ा अनर्थ। तो उस टाइम पे मेरे को इतना गंदा फीलिंग आ रही थी ना, आप सोच नहीं सकते। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि चलो ठीक है, मैं नायका से एक बार परचेस कर लेती हूँ। जब नायका में देखा सारा स्विस ब्यूटी का सारा स्टफ आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार सही बोला, पहले परचेस कर ली होती ना तो आज इतना रिग्रेट फील नहीं कर रही होती। तो फिर उसके बाद चलो ठीक है, आप नहीं कर पाए तब क्या कर पाए, चलो फ्यूचर में देख लेंगे, अगर पसंद आएगा तो मतलब आ जाएगा स्टॉक में आएगा तो आई विल डेफिनेट गोइंग टू परचेस इट। तो सबसे पहले मैंने SFR कलर का यहाँ पे ब्लश ले रखा है, 03 फ्लावर ब्लश है, इसकी प्राइस है 180 और इसमें भी मेरी किस्मत ये थी फूटी कि 1, 2, 3 शेड होता है, जो सेकंड शेड था वो मुझे ज्यादा चाहिए था क्योंकि उसमें न्यूट्रल अंडरटोन वाले थे कलर्स, तो उसमें एक आपको हाईलाइटर भी मिल जाता था, तो मैंने सोचा कि यार मैं ले लेती हूँ उसको, लेकिन वो भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। तो लेकिन ये 3 वाला जिसमें पीच कलर ज्यादा थे, तो मैंने सोचा कि ये ब्लशेस के लिए परफेक्ट रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 180 रुपीज का है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट फ्लावर कलर है, फ्लावर शेप में है, पैटर्न में है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। मैं आपको इसके स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ और ये इतना क्रीमी है ना, मतलब इतना पाउडरी जैसा फीलिंग आ रही है कि जैसे इसको मैं छोटे से लगा वाओ, व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ मैं हाथ में। मैं आपको इसका स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं एकदम हल्का सा अंडरटोन में है, आप एकदम लाइट अगर चाहते हैं ना तो उस टाइम पे ये लुक परफेक्ट रहता है, ये ब्लशेस परफेक्ट रहते हैं, और या फिर आप पूरा इस तरीके से स्वाइप करके भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आपको एक ही ब्लश में आपको इतने सारे अलग अलग कलर भी मिल जाएंगे, जैसे पहले शिमर ब्रिक आते थे हाईलाइटर का, वैसे ही आपको ये ब्लशेस का भी मिल रहा है और प्योर मैट है। फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप बेहोश हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है, 180 रुपीज का फ्रेंड्स, आई जस्ट लव दिस। तो देख सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आईब्रो पाउडर तो बचा नहीं, तो मैंने सोचा कि आज का मुझे आईब्रो पाउडर आईब्रो फिल करने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आईब्रो पाउडर नहीं मिल रहा तो मैं एक आई शेडो पैलेट ले रही थी जो एकदम आईब्रो पाउडर की तरह वर्क करे। तो मेरी नजर पड़ी इस पे, ये है SFR कलर का मैट एंड आई शेडो पैलेट और इसमें आपको एक ब्लैक और एक ब्राउन कॉन्टोरिंग के लिए भी मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये, और इसकी प्राइस है 199 रुपीज और ये है 02 इन द शेड 02 है इसका। तो ये एक्चुअली इसकी प्राइस थोड़ी हाई थी, तो उस टाइम पे सेल चल रही थी, तो ये 199 रुपीज का मुझे मिला है और ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड आई शेडो है, लेकिन एक आपको स्पंज टिप एप्लीकेटर मिल जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता और आप देख सकते हैं कितने सही कलर्स हैं, आप देख सकते हैं एकदम आपको ब्राउ फिल करने के लिए, आपकी कैसे भी ब्राउज हैं तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं और आपको ये ब्राउन कलर का कॉन्टोरिंग शेड भी मिल जाता है। मैं इसके अगर आपको स्वॉच दिखाऊं आप कातिल है इसके स्वॉच, पागल हो जाएंगे स्वॉचेस को देखकर, इतने खूबसूरत स्वॉचेस है इसके, आप देख सकते हैं इतने पिगमेंटेड हैं, आप इसे एज अ आईब्रो पाउडर तो पक्का ही आराम से फिल कर सकते हैं। और जो ब्लैक वाला शेड है आप देख सकते हैं, मैंने एकदम हल्के से टच किया और ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, लाइक आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स आई विल डेफिनेट गोइंग टू रिकमेंड कि आप इसे पक्का से परचेस करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा पैलेट है। अगर आपको अगर आपकी भी किस्मत मेरी जैसे कि आप मार्स का आईब्रो पाउडर नहीं खरीद पाए हैं तो आप इस तरीके से इस पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा पैलेट है ये, आई जस्ट लव इट। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिए 2 ब्यूटी ब्लेंडर, एक है ये ब्लैक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर और एक ये वाला है, दोनों 50-50 रुपीज ईच है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा दूं, लेकिन पहले मेरे को लगा कि लोकल वोकल एकदम अजीब सा होता है, लोकल होते हैं तो अच्छा वर्क नहीं करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी, आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है, इतना स्पॉन्जी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं इसे बहुत एक्साइटेड हूँ यूज करने के लिए। एक्चुअली मेरे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि
गंदे होते हैं तो उसको धोने का मन नहीं करता, तो एक्स्ट्रा होते ना तो रहता है कि हाँ एक बैकअप मेथड, एक बैकअप प्लान की तरह ये वर्क करते हैं। और एक ये था जो ये टीयर ड्रॉप शेप में है, ये पियर शेप का है और ये थोड़ा सा क्रीम कलर का, एक्चुअली क्रीम कलर का मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था लेकिन उन्होंने क्रीम कलर ही भेजा। मुझे डार्क कलर ज्यादा सही लगता है क्योंकि अगर आप उन्हें यूज भी कर लेते ना तो इतनी जल्दी वो दिखते नहीं है कि गंदे हो जाएंगे, जिस तरीके का ब्लैक कलर है। ये वाले को बड़ा हैंडल भी क्या करना पड़ता है, ये भी देखिए आप कितना सॉफ्ट है, ये सो सॉफ्ट इट इज। तो मैं इसे पक्का यूज करूंगी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये, आप इसे डेफिनेटली गोइंग टू परचेज। आप मैं इसे रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज इसे परचेज जरूर कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है जो कि है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन द शेड जीरो फाइव। 04 तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 05 तो मिल गया ना, वरना मेरे को तो 01 ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें जो शेड थे 3, 5 और 2 थे जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है 4 नहीं मिल रहा तो 1 तो मैं ले लेती हूँ। 1 भी जब देखा आउट ऑफ स्टॉक तो दिल में इतने जोर से लगा ना, आज सोच नहीं सकते। लेकिन उसके बाद मैंने 5 जो था मैंने इसी को ऑर्डर कर लेती हूँ। ये एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट है, कहीं पार्टी में जा रहे तब के लिए परफेक्ट है। तो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब में इसके, लेकिन मैं भी आपके साथ पक्का शेयर करूंगी इसका अपना एक्सपीरियंस कि मुझे ये आई शेडो पैलेट कैसा लगा। मैंने बहुत से यूट्यूबर के उससे सुना था कि बहुत ही ज्यादा अच्छा पैलेट है, तो लेट्स सी इसको मैं जरूर से यूज करूंगी। आपको ये ह्यूडा ब्यूटी के शेप मतलब ह्यूडा ब्यूटी के कलेक्शन की तरह दिख जाएगा ये आपको, और इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली। अगर आप और आपको इसमें आराम से 5 आपको शिमर शेड्स मिल जाते हैं और 4 आपको मिल जाते हैं मैट शेड्स जो कि आप ट्रांजिशन कलर के लिए परफेक्ट है। और इसमें आपको एक चॉकलेट ब्राउन मिल रहा है और एक लाइट ब्राउन मिल रहा है जो कि मैं आपको स्वाचेस दिखा देती हूँ इस तरीके से, और एक येलो और एक ब्लैक। ब्लैक कलर अगर आप आईब्रो पाउडर नहीं भी लेना चाहते तो आप इस तरीके से आईब्रो फिल कर सकते हैं। और जो शिमर शेड्स है आई जस्ट लव इट, बहुत ही ज्यादा अच्छे शिमर शेड है। इसमें आप हेलो आईज मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और कैसा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ दिखाऊं, देखिए इतना सही शेड्स है, एकदम लाइटली पिगमेंटेड और आप इसे आराम से बिल्डअप कर सकते हैं, कितना सही शेड्स है, आई जस्ट लव इट। तो फ्रेंड्स आई विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट और मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी कि मुझे कैसा लगा पैलेट, ताकि आप पता नहीं फ्यूचर में मिले ना मिले, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ, प्लीज अगर आप कहीं भी देख रहे हैं ना स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, प्लीज गो अहेड एंड जस्ट परचेज इट। और मैं उसका प्राइस बताना भूल गई, 199 रुपीज का है। तो फ्रेंड्स आप इसे पक्का से पक्का परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैम निधि मैम बोल रही थी कि ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है उसके बाद साइज से ही मार्केट में आए। तो फ्रेंड्स प्लीज इसे जल्दी से आपको जहां दिख रहा है ना वहां पक्का ग्रैब कर लीजिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी दिख रहा है इसे परचेज कर लीजिए जरूर से जरूर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नायका हॉल। तो जब मैं आपको ये हॉल शेयर करने से पहले मैं अपना दुख भरी कहानी आपको बता देती हूँ क्या हुआ। मैंने नायका से अपना सामान ऑर्डर किया, अच्छे से खुशी खुशी मैं लेने गई और मैंने जैसी पैकेजिंग खोली दिल टूट गया मेरा, आप सोच नहीं सकते, इतना दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट मेरे को डैमेज मिल रहा है और उसके बाद मैं रिफंड के लिए उनको बोल रही हूँ, दे आर नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग इट, मुझे समझ नहीं आ रहा, दे आर नॉट आंसरिंग माई मेल्स, कुछ नहीं कर रहे हैं उनका ऑनलाइन ऑनलाइन मैं उनको कॉल भी कर रही हूँ, कस्टमर केयर भी कॉल कर रही हूँ, दे आर नॉट आंसरिंग। बल्कि कफ्स एंड लैशेस से जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे बल्कि ग्लास के हैं तब भी ये टूटे नहीं, लाइक पैकेजिंग वाइज और शिपिंग वाइज ना मैं कफ्स एंड लैशेस को हैट्स ऑफ कहती हूँ, इतना अच्छी पैकेजिंग होती है, इतनी अच्छी शिपिंग होती है कि प्रोडक्ट्स में टूटे ना। बाकी जो नायका से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन ये हो चुका है। तो मैं क्या करूँ, आपको सर शेयर तो पक्का करूंगी ये कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शेयर करना चाहूंगी अपना, मैंने एवर यूज का ये टैन रिमूवल पैक और स्क्रब मंगाया था क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसका लेने का। तो इसकी जो प्राइस थी मैं आपको अपने स्क्रीन में शो कर दूंगी, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ तो मैं आपको शो कर दूंगी इसका। तो ये है एवर यूथ का नेचुरल्स का प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल स्क्रब फॉर फेस एंड बॉडी चॉकलेट एंड चेरी वाला। तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और मैं साथ ही साथ इसका रिव्यू भी सोचू कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आप सोच रहे इसे लेने का तो इफ यू वांट टू परचेस इट और नॉट तो आप इस रिव्यू को जरूर से देखिएगा, मैं जल्दी अपने चैनल पे डालने वाली हूँ इसका रिव्यू। तो ये कुछ इस तरीके से है, मैंने सबसे बड़ी पैकेजिंग मंगा रखी है क्योंकि स्क्रब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो लेट्स सी कि ये टैन रिमूव करेगा या नहीं। तो इसमें ये जो है ये है एवर यूथ का प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल स्क्रब और इसकी पैकेजिंग आती है लाइट, जस्ट लव इट, कितनी क्यूट है पैकेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं इसे पक्का यूज करूंगी आपके साथ, ग्लास बॉटल में आते हैं तो
आपके साथ शेयर पक्का करूंगी कि कैसा है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी का मैंने टैन रिमूवर पैक मंगा रखा फॉर फेस एंड बॉडी, कुछ इस तरीके से आता है, चॉकलेट वाला है। एवरयू ने बहुत पहले लॉन्च किया था तो उस टाइम पे मैं सोची थी इसे लेने का, लेकिन उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहे थे सारे प्रोडक्ट्स, तो अभी मेरे को मिला। तो आपके साथ मैं पक्का इसका शेयर करूंगी कि कितना अच्छा फेस पैक है या नहीं, अगर आपको परचेस करना है या नहीं करना है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड सेकंड चीज जो मैंने मंगा रखी है वो है एवरयू नेचर्स, फिर से एवरयू का मंगा रखा है नेचर्स का एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, जो कि मुझे हमेशा चाहिए और ये मेरा फेवरेट है। लाइक अगर मैं अपना कहीं भी मेरे को जाना होता है ना तो मैं पक्का इसको लेके जाती हूँ और इसे पक्का लगाती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, मैं इसे रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे जरूर यूज कीजिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा चेंज देखेंगे आप अपने फेस पे, और ये अच्छा पील ऑफ मास्क है, लाइक चारकोल वाला नहीं है कि जिसे आप उखाड़ते आपको रोना आने लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इसे बहुत टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने ये भी परचेज कर रखा है। और ये मुझे 100 रुपीज में मिला था, इसकी एक्चुअल प्राइस 105 है लेकिन मुझे 100 रुपीज में मिला था ये डिस्काउंट में। उसके बाद आता है वो प्रोडक्ट जिसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा ठेस हो जाए मेरे दिल में दिल को, तो वो है ब्लू हेवन का सिग्नेचर प्रोफेशनल वाइब्रेंट ब्लश पैलेट इन द शेड 01। ये था 225 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन ये मुझे 191 या 181 का मिला था, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो आपको पहले आप पैकेजिंग के, तो मैं पैकेजिंग के वजह से मुझे और ज्यादा अच्छा लगा था प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप इसका खोलने का भी मैकेनिज्म है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि क्या है इसका प्रोडक्ट। मैजिक, आपको दिखा मैजिक? यस, इसका एक पैन गायब है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज इस टाइप के ब्लश पैलेट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, जहां तक इससे अच्छा ये SFR कलर के ब्लश हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा इस टाइप के ब्लशेस में। हालांकि ब्लू हेवन है अफोर्डेबल बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर ये डिस्काउंट नहीं चल रहा था तो इसका प्रिंटेड प्राइस 225 है, 225 में मेरे को नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट कहीं भी स्टैंड करता है। और अगर आप इसका प्राइस 200 भी लेके चलेंगे ना तो इसका प्राइस इसके उस पर टिकता है, लाइक ये दिखता है कि हाँ ये कॉस्टली होगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना ये बिल्कुल भी आपको कॉस्टली बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत ही ज्यादा पाउडरी है, बहुत ही ज्यादा बेकार है, और मेरे को ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इसे क्यों ले लिया। और इसका जो एक पैन है वो इसलिए अभी मेरे को दुख भी ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैं इसका आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं इसका कलर्स है इसके पैन में, तो देख सकते हैं कि कितना शिमरी है ये, पूरे इसके जो शिमर्स है ना वो मेरे हाथों में फैल गए थे, यहाँ दिखेगा ही नहीं वरना मैं आपको दिखाती हूँ इसका, मैंने एक तो साफ कर दिया है ना ये इसकी वजह से, तो देख सकते हैं कि कितना एकदम शिमर, कितना फैल रहा है, एकदम लूज चीप प्रोडक्ट की तरह एकदम शिमर है इसका, तो मेरे को तभी बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और बाकी जो इसमें ऑरेंज ब्लश है वो ओके टाइप का है, और जो ये ब्राउन वाला है इसे आप ब्राउनजर की तरह यूज कर सकते हैं, और जो ये वाला है ये आपको से आप ब्लश की तरह तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मैं आपको इसका पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ, इसे आप एज अ आई शेडो ही यूज कीजिए, और जो ये ब्राउन वाला है और जो येलो ऑरेंज वाला टोन का है मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो अगर आप सोच रहे इसे पैलेट का तो आप इसे अपने रिस्क पे ही परचेस कीजिए, वरना आप रिग्रेट करेंगे मेरी तरह। और इसमें एक अच्छा ब्रश मेरे को ये लगा, लाइक चलो कुछ तो इन्होंने अच्छा किया, लाइक 191 रुपीज में मेरे को ये लग रहा है कि मैंने सिर्फ ब्रश और ये तीन कलर्स के लिए पे कर रखा है, नेक्स्ट वाला कलर तो मैंने सोचा कि मैंने पे नहीं कर रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो आप इसे अपना आईब्रो फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने लोअर वाटर लाइन को स्मच करने के लिए फिल कर सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा यूजेस हो सकते हैं। अदरवाइज जो महंगे महंगे ब्रांड्स होते हैं मेबेलिन टाइप जितने भी है महंगे लैक में, ये सब भी स्पॉन्ज के पैकेट देते हैं जिनका कोई यूज होता है, हम लोग फेंक देते हैं गुम कर देते हैं, लेकिन इसका यूज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मेकअप हॉल, अगर आपको ये वाला मेकअप हॉल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हिट द लाइक बटन आल्सो, एंड फ्रेंड्स आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन बाय बाय, और प्लीज 10 लाइक्स तो जरूर दीजिए फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं 10 लाइक तो जरूर दे सकते हैं।